गाइस, हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर से किसी भी जीव का मरना या फिर एक्सटिंक्ट होना प्रकृति का ही एक हिस्सा है। बट जब से इस धरती पर हम मनुष्यों का आगमन हुआ है, तब से ये एक्सटेंशन रेट बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये एक्सटेंशन रेट 10,000 गुना तक बढ़ चुका है। आज लगभग हर साल 1,00,000 से भी ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। और शायद जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो तब तक ना जाने और भी कई सारे स्पीसीज इस दुनिया से जा चुके होंगे। सन 1800 ईस्वी तक कैमरा का इन्वेंशन हो चुका था और तभी से लोगों ने वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करना शुरू कर दिया था। तो आज मैं आप लोगों को 9 ऐसे एनिमल्स के लास्ट फुटेज दिखाने वाला हूं, जो कि अब इस दुनिया से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 9, वेस्टर्न ब्लैक राइनोसोरस या फिर पश्चिमी काला गैंडा। वेस्टर्न ब्लैक राइनोसोरस की ही एक सब स्पीसीज है। आज से करीब 7-8 मिलियन वर्ष पहले इसे पाया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली 2011 में IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा इसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। जबकि ये एक बार उप सहारा अफ्रीका के सवारा में काफी बड़े एरिया में फैले हुए थे, बट अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या में काफी गिरावट आई। 20वीं सदी के शुरुआत में वेस्टर्न ब्लैक राइनोसोरस का भारी मात्रा में शिकार किया जाने लगा, जिसके वजह से 1930 के दशक में संरक्षण कार्रवाई किया जाना पड़ा, तब जाके इनकी संख्या में वृद्धि हुई। लेकिन इसी भी सुरक्षा प्रयासों में गिरावट के कारण इनकी संख्या फिर से कम होने लगी और सन 2000 तक आते आते केवल 10 वेस्टर्न राइनोसोरस ही बच गए थे, जो कि 2001 में डाउन होकर 5 पे आ गई। फिर 2006 में एक बड़ी रिसर्च टीम द्वारा पूरे 6 महीने तक सर्वेक्षण किया गया, पर वेस्टर्न ब्लैक राइनोसोरस का कोई नामो निशान नहीं मिल पाया, क्योंकि इनकी पूरी स्पीसीज इस दुनिया से विलुप्त हो चुका था। नंबर 8, गोल्डन टॉड। यह जीव किसी जमाने में कोस्टा रिका के मोटे वर्डे शहर के नॉर्दर्न एरिया का कॉमन जीव हुआ करता था, जो कि आगे चलकर 1989 में पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया। गोल्डन टॉड को 1966 में हर्पेटोलॉजिस्ट जे सेवेज के द्वारा पहली बार डिस्क्राइब किया गया था। उसके बाद इसे मोंटे वर्डे टॉड, अलाजुएला टॉड और ऑरेंज टॉड के नाम से भी जाना जाने लगा। आखिरी बार एकमात्र मेल गोल्डन टॉड को 15 मई 1989 को देखा गया था। मेल गोल्डन टॉड ऑरेंज कलर के होते थे और कभी कभी पेट पर थोड़े से धब्बेदार होते थे, पर फीमेल गोल्डन टॉड में ऐसा नहीं था। उन्हें ब्लैक, येलो, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट जैसे कई डिफरेंट कलर्स में पाया गया था। गोल्डन टॉड अपने लाइफ के मेजोरिटी टाइम को जमीन के मॉइस्चर बिलो में ही बिताना पसंद करते थे, खासकर शुष्क मौसम में। इनके एक्सटेंशन का रीजन अभी तक ठीक से जस्टिफाई नहीं किया गया है, बट IUCN के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ग्लोबल वार्मिंग और एयरबोर्न पॉल्यूशन के कारण इनका एक्सटेंशन हुआ है, बट इसका कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है कि इनका एक्सटेंशन इन्हीं कारणों के वजह से हुआ है। नंबर 7, गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग। क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कॉमन जीव होने के कारण गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग जमीन पर रहने वाले मेंढकों की एक बहुत ही अनोखी स्पीसीज थे। जो चीजें इन फ्रॉग्स के स्पीसीज को अदर फ्रॉग्स के स्पीसीज से अलग बनाती थी वो थी इनकी माता पिता की देखभाल। मेल गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग एग को फर्टिलाइज करते थे, फिर फीमेल फ्रॉग्स इन एग को निगल जाते थे और एटलीस्ट 6 सप्ताह तक अपने बच्चों को पेट में रखते थे। इस पीरियड के दौरान मदर फ्रॉग कुछ भी नहीं खाती थी। जब इनके बच्चे और टैडपोल कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाते थे तो मदर फ्रॉग वॉमिटिंग करके माउथ के थ्रू इन्हें निकाल देती थी। जंगल में लास्ट गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग को 1981 में रिकॉर्ड किया गया था। तब से पिछले 35 वर्षों में कई रिसर्च किए गए, बट दुर्भाग्य से इस स्पीसीज का कोई भी पता नहीं चल सका। इस स्पीसीज के एक्सटेंशन का कारण ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन और कुछ बीमारियों को भी दोषी माना जाता है। नंबर 6, कैस्पियन टाइगर। लगभग 3 मीटर की एवरेज बॉडी लेंथ के साथ कैस्पियन टाइगर अब तक की जीवित रहने वाली सबसे बड़ी बिल्लियों में से एक था। इसका साइज साइबेरियन और बंगाल टाइगर के बीच का बताया जाता है। एक समय में ये टाइगर्स कैस्पियन सागर के पश्चिम और दक्षिण के जंगलों और गलियारों में निवास करते थे। 20वीं सदी के अंत में कैस्पियन टाइगर्स को जंगलों में पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। 1970 के दशक की शुरुआत में एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के बायोलॉजिस्ट ने कैस्पियन जंगल के निर्जन क्षेत्रों में कैस्पियन टाइगर की खोज की, पर कई वर्षों के रिसर्च के बाद भी उन्हें इनकी मौजूदगी का कोई भी सबूत नहीं मिल सका और अंत में इसे एक्सटेंशन के रूप में रिकॉर्ड कर दिया गया। नंबर 5, लेसन रेल। लेसन रेल एक फ्लाइटलेस पक्षी था जो कि लेसन के नॉर्थ वेस्टर्न हवाई द्वीप का कॉमन जीव हुआ करता था और इसका नाम भी इसी द्वीप के बेसिस पर रखा गया था। लेसन अभी भी यूनाइटेड स्टेट का एक महत्वपूर्ण सीबर्ड कॉलोनी है। इसने लेसन रेल सहित कई स्थानिक स्पीसीज को बनाए रखा है।
जब इस जंगलों में खरगोश को लाया गया था तो लेसन रेल को शुरुआती में खतरा पैदा हो गया। खरगोशों के कारण क्षेत्र में वनस्पति का विनाश हुआ और जल्द ही ऐसा टाइम आया कि घोंसले के लिए भी कोई आवास नहीं बचा, जिसने लेसन रेल को विलुप्त होने की ओर धकेल दिया। आखिरी लेसन रेल को जून 1944 में मिडवे के ईस्टर्न आइसलैंड पर देखा गया था। नंबर 4, बारबरी लायन, जिसे एटलस लायन और न्यूबेनियन लायन के नाम से भी जाना जाता है। बारबरी लायन लायन की एक सब स्पीसीज है जो कि अब इस दुनिया से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है। इससे पहले एटलस माउंटेन और नॉर्थ अफ्रीका का मूल निवासी माना जाता था। रोमन्स ने ग्लैडिएटर्स के साथ युद्ध के दौरान क्लोजियम में इनका यूज किया था, जिसके कारण 19वीं सदी के मध्य तक इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई थी। वाइल्ड बारबरी लायन की आखिरी तस्वीर 1942 में मोरको में ली गई थी, पर ऐसा माना जाता है कि बारबरी लायन के छोटे समूह 1960 के दशक की शुरुआत तक अल्जीरिया और 1960 के दशक के मध्य तक मोरको में जीवित रहे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इस दावे का कोई भी सबूत नहीं है। नंबर 3, थाइलेसिन, जिसे आमतौर पर तस्मियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मॉडर्न टाइम के सबसे वेल नोन कॉर्निवोरस स्पीसीज माना जाता है। यहाँ तक कि जंगल का किंग लायन भी इतना शिकार नहीं करता होगा जितना कि थाइलेसिन करते थे। ये स्पीसीज ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनी के मूल निवासी थे, जिसे बड़ा ही शर्मिला जीव माना जाता था क्योंकि ये केवल नाइट के टाइम ही शिकार के लिए निकलते थे। कड़ी पूंछ और पेट की थैली को छोड़कर थाइलेसिन का अपीयरेंस एक मीडियम टू लॉन्ग साइज कुत्ते जैसा ही था। इनके पीठ के ऊपर टाइगर के स्ट्राइप के तरह ही एक चमकीला स्ट्राइप होता था। थाइलेसिन टाइगर और वुल्फ के तरह ही एक सातिर शिकार था। ये शिकार का भी शिकार कर सकता था और बेहद कम पॉपुलेशन वाले एरिया में भी जीवित रह सकता था, बट मानव के द्वारा अत्यधिक शिकार के कारण 1936 में इनका एक्सटेंशन हो गया। नंबर 2, हिथहैन। हिथहैन एक बड़ा सा नॉर्थ अमेरिकन बर्ड था जो कि 1932 में एक्सटिंक्ट हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान ये एक बेहद ही आम पक्षी था और भोजन के लिए बड़े पैमाने पर इसका शिकार किया जाता था। इनफैक्ट कई लोगों ने तो यह भी अनुमान लगाया है कि तीर्थयात्रियों के पहले थैंक्सगिविंग डिनर में हिथहैन ही थी, ना कि जंगली टर्की। 18वीं सदी के अंत तक हिथहैन ने गरीब आदमी के भोजन के रूप में रेपुटेशन अर्न कर ली थी। अत्यधिक शिकार के कारण हिथहैन की पॉपुलेशन में तेजी से गिरावट आई। 1990 तक माठा वाइनयार्ड में केवल 120 से 200 हिथहैन ही बच गए थे, जो कि 19वीं सदी के शुरुआत में डिक्रीज होके 70 पे आ गई। 1908 में हिथहैन के शिकार पर प्रतिबंध द्वारा इन्हें सुरक्षित किया गया और पॉपुलेशन तेजी से 2000 तक बढ़ी, बट विनाशकारी आग और ब्लैक हेड डिजीज जैसे कारणों से पॉपुलेशन तेजी से घटने भी लगी। फाइनली 1928 के दौरान केवल एक मेल हिथहैन बच गया था, बट 11 मार्च 1932 को इसकी भी मृत्यु हो गई, जिससे यह स्पीसीज इस दुनिया से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई। नंबर 1, क्वागा। क्वागा मैदानी जेबरा की एक सब स्पीसीज है जो कि पार्टिकुलरली बुर्चेल जेबरा के बहुत क्लोज है। यह स्पीसीज 19वीं सदी तक साउथ अफ्रीका में पाया जाता था, बट आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेटली ये जीव पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया। क्वागा के बॉडी पर बने ब्राउन और व्हाइट कलर के स्ट्राइप की पैटर्न ही इसे अदर जेबरा से डिफरेंट बनाता था। क्वागा के स्ट्राइप मुख्य रूप से शरीर के अगले हिस्से पर होती थी। इसका पिछला भाग स्ट्राइपलेस ब्राउन कलर के होने के कारण इसका पिछला हिस्सा किसी घोड़े जैसा दिखता था। साउथ अफ्रीका में डच सेटलमेंट इस्टैब्लिश होने के बाद क्वागा का निवास स्थान खतरे में पड़ गया। लोगों ने अपने पालतू जानवरों के लिए अधिक चारा पाने के लिए बड़ी संख्या में इसका शिकार करना शुरू कर दिया। बाद में कुछ क्वागा को यूरोप ले जाया गया और एक्सटिंक्ट होने से पहले एक जू में रखा गया। अभी आप जिस फोटो को देख रहे हैं, ये एक लौता जीवित क्वागा का तस्वीर है।